साल 2022 में जहां आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी करके कपूर खानदान और भट्ट परिवार को एक कर दिया है, जहां आज इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। जी हां, साल 2022 में इन्होंने शादी करके अपने खूबसूरत प्यार भरे रिश्ते को शादी का नाम दे दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2022 कुछ बॉलीवुड कपल के लिए बहुत बुरा रहा, जहां पर कुछ बॉलीवुड कपल्स ने शादी करने के बजाय अपने लॉन्ग एंड लवेबल रिलेशनशिप को ब्रेकअप में बदल कर अपने रास्ते हमेशा के लिए अलग कर लिए। तो चलिए आपको बॉलीवुड के कुछ मशहूर कपल से मिलवाते हैं जिन्होंने साल 2022 में एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया। नंबर 5, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के ब्रेकअप से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि इन्होंने 2 साल के अंदर अंदर शादी का प्रॉमिस करके अचानक से निजी मुद्दों के चलते एक दूसरे को छोड़ दिया। कियारा ने यहां तक कह दिया था कि वो सिद्धार्थ से शादी करेंगी, पर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों ने अपने आप को एक दूसरे से जुदा कर लिया। नंबर 4, टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी। बॉलीवुड के सबसे अंडरस्टैंडिंग और पावरफुल कपल थे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी, जिन्होंने साल 2015 में डेटिंग चालू की थी। ऐसे में 6 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद दोनों का अलग होना सबको हैरान कर गया। दरअसल दिशा पटानी को टाइगर श्रॉफ से शादी करनी थी, पर टाइगर श्रॉफ शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप करके अपने रास्ते अलग कर लिए। नंबर 3, अनन्या पांडे और ईशान खट्टर। खाली पीली मूवी में साथ दिखाई दिए कलाकार अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की 2 साल पहले लिंकअप की खबरें आई थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर पता नहीं कुछ महीनों के अंदर ही क्या हुआ कि इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और ये अब किसी इवेंट में साथ नजर नहीं आते। नंबर 2, शमिता शेट्टी और राकेश बापट। शमिता शेट्टी और राकेश बापट के ब्रेकअप से पूरा बॉलीवुड हिल गया था। जी हाँ, बिग बॉस के घर में इन्होंने बहुत इश्क फरमाया, पर 2 महीने पहले ही इन दोनों का ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह कंपैटिबिलिटी और बहुत सारे कमिटमेंट इश्यूज थे जिसे दोनों ही निभा नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने आपसी रजामंदी से ब्रेकअप कर लिया। नंबर 1, न्यासा देवगन और यशवर्धन आहूजा। न्यासा देवगन और यशवर्धन आहूजा का फिलहाल ब्रेकअप हुआ है, जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों अलग हो गए। इसके अलावा न्यासा देवगन को वेदांत महाजन जैसा हैंडसम और अमीर लड़का मिल चुका है, इसीलिए उन्होंने यशवर्धन आहूजा को छोड़ दिया और यशवर्धन आहूजा भी अब प्यार व्यार का चक्कर छोड़कर अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों, किन सितारों के ब्रेकअप ने आपको तोड़ दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।